ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं, वीकली नहीं मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला महीना यानी कि मे मंथ आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं टॉरस वृषभ राशि के लोगों के लिए व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग थ्रू। ओके, वृंदा देवी की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इनको रिसीव कीजिए। सो रेजिडेंस इन अ होली प्लेस, ओके। सो आप कहीं जगह तब्दील कर सकते हैं जहाँ आसपास यू नो कोई होली प्लेस हो, या आपने शुरू से सोच रखा होगा कि आपका इस जगह यू नो घर होना चाहिए, तो वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। नेचुरल ब्यूटी की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले हैं, दैट मीन्स इनसाइड आउटसाइड ब्यूटीफुल। या हो सकता है कुछ ऐसा कर रहे हैं, नेचुरली नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, या नेचुरली गेटिंग ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड आउट। और डिवोशन टू कृष्ण और विष्णु, कृष्णा जी और विष्णु जी की भक्ति में आप लीन हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि आपके आराध्य हों, आपके इष्ट हों, आप इनको मानते हों, ठीक है ना। तो भगवान श्री विष्णु और कृष्ण जी की भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। फिजिकल हेल्थ एंड वेलबींग, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट यू आर डूइंग समथिंग अबाउट योर यू नो फिजिकल यू नो चेंजेस। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हों, मे बी इट्स अबाउट कि कोई डाइट प्लान ऐसा कर रहे हैं, एक्सरसाइज और समथिंग लाइक दैट, सो दैट यू कैन लुक ब्यूटीफुल, फील ब्यूटीफुल। कुछ के लिए हो सकता है आप अपना वेट लूज़ कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपने कोई यू नो एनी सॉर्ट ऑफ कॉस्मेटिक प्लान और वट एवर, बट ये एनर्जीज हमें आ रही हैं नज़र आपके लिए। सो इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए। यू मे फील ब्यूटीफुल इनसाइड आउटसाइड, ओके। और ऐसा लगता है कि आपकी जो भी विशेज हैं वो पूरी हो रही हैं, आप हैप्पी फील कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट फाइंडिंग अ सूटेबल पार्टनर एज वेल, एंड पीपल मे लुक अप टू यू। आपको लोग देखेंगे कि अरे यू नो लाइक आपकी जो ब्यूटी है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, एंड योर ऑरा, सो यू आर डूइंग समथिंग और यू मे डू समथिंग। तो ये ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी तरफ, इनको रिसीव कीजिए। चलिए अब आगे की तरफ देखते हैं कि टॉरस व्हाट एल्स यू कैन एक्सपेक्ट, ओवरऑल एनर्जीज क्या है। टॉरस, सो फॉलो योर इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। तो सेम एनर्जीज आ रही हैं, इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, ट्रैवल कर सकते हैं, एंड लव लाइफ को लेके कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। तो एंजल्स कहना चाह रहे हैं कि इट्स अ गुड टाइम, ठीक है। किस चीज़ के लिए कुछ नया सीख रहे हैं, अपना करियर चेंज करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, या कहीं मनी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। लव लाइफ के लिए अच्छा टाइम है, इट्स गुड टाइम फॉर कमिटमेंट, कमिटमेंट के लिए अच्छा टाइम है, और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा टाइम है। ट्रैवल कर सकते हैं, ओपन अप योर लाइफ, एक्साइटिंग न्यू एक्सपीरियंसेस, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन विल ओपन, तो हो सकता है या तो आप खुद ट्रैवल कर सकते हैं, या हो सकता है कि किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, दैट कैन ओपन अप इन न्यू डोर्स, नए दरवाजे खुल सकते हैं आपके लिए, तो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, किसी के साथ आपकी बातचीत हो सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि न्यू कुछ नया एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हो सकता है। चलिए ये तो हो गई ओवरऑल एनर्जी, अब हम देख लेते हैं कि मे मंथ में आपकी लव लाइफ क्या कह रही है, कैसा रहेगा आने वाला समय। ओके, मेक द एफर्ट, एंजल कह रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि लव लाइफ में सब कुछ अच्छा हो तो यू हैव टू मेक एफर्ट, आपको अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट करने होंगे। रिकन्सिलिएशन का कार्ड आ रहा है, रोमांटिक फीलिंग्स का कार्ड आ रहा है। ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक, सो एंजल्स कह रहे हैं दैट यू आर गाइडेड टू टेक स्टेप्स। अगर आप चाहते हैं आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आए तो आपको स्टेप फॉरवर्ड करना होगा। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग, आपके अंदर जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं किसी पर्सन को लेके, तो यू हैव टू एक्सप्रेस, आप दोनों को एक दूसरे को एक्सप्रेस करना होगा। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, कोई पास्ट से आपकी तरफ वापस आ सकता है, आपसे रिकनेक्ट कर सकता है, आपको रीच आउट कर सकता है। आई टोल्ड यू इट्स ऑल अबाउट लव एंड टेकिंग मैटर्स फर्दर, और हो सकता है आपकी किसी के साथ कनेक्टिविटी हो, या आपके ऊपर
है कि आप रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, बिकॉज देर इज़ लॉट ऑफ पैशन एंड अट्रैक्शन कमिंग फॉरवर्ड. बहुत ज़्यादा पैशन और अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है. क्या कहना चाहते हैं आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ भी आप डील कर रहे हैं, कर सकते हैं? ओ सो वी आर गेटिंग सम मैसेजेस ही ऑलरेडी. यू आर नॉट विद मी, आई एम लोनली एज कैन बी. ओके, सो आपके बिना ये अकेला महसूस कर रहे हैं, तो हो सकता है अगेन ऑफकोर्स कि आपसे कोई रिकनेक्ट कर रहा हो, तो दैट मेक्स सेंस. ओके, कि रिकन्सिलिएशन है तो इसका मतलब कोई आपको याद कर सकता है, आपकी तरफ आ सकता है, और आपके बिना वो अकेला महसूस कर रहे हैं. वट आई एम टूडे इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू. तो एंजल्स यहाँ पे मतलब आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी है आपकी वजह से हैं. आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू, तो ये आपके बिना इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं. यू बिलीव और नॉट, आई लव यू मोर देन यू नो. ओके, तो अगर आप बिलीव करें कि ना करें, बट ये आपसे भी ज़्यादा प्यार करते हैं जितना आप मतलब उनको करते हैं, तो उससे ज़्यादा प्यार करते हैं. तो ये कुछ रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं. सो लविंग मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर. चलिए ये पार्टनर आपके क्या चाहते हैं आपसे, ये भी थोड़ा देख लेते हैं. ऑफकोर्स जहाँ तक कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स आई थिंक ऑफकोर्स ये पर्सन है शायद आपसे भाग रहे हैं, बट चाहते ही हैं कि हैव हैविंग अ फैमिली विद यू. कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी, लॉन्ग टर्म फैमिली दिखाई दे रहा है, बट द थिंग इज कि ऑन ऑफ करते रहते हैं अपनी तरफ से, यू नो, कभी आ गए कभी चले गए. दे आर रनर, मुझे लगता है भाग रहे हैं. और मे बी दे हैव पास्ट बर्डन्स और कुछ है, लाइक देर आर बर्डन्स, फ्यू बर्डन जो अभी भी वो कैरी कर रहे हैं. वो फाइनेंस को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है. देर आर और मे बी वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अपनी लाइफ में किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं. बट डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऑन ऑफ कनेक्शन है, बट जो इनकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, आई थिंक वो है आपके लिए. जैसा वो कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो हो सकता है कि उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं. तो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वाओ, वी आर गेटिंग दैट एम्प्रेस एनर्जी. इसका मतलब ये है कि जो रिश्ता है वो ऑफकोर्स तब्दील हो सकता है इन समथिंग, इन टू अ लॉन्ग टर्म आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द मे. ओके, सो आप लोगों के बीच में वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस दिखाई दे रहे हैं. चलिए ये तो हो गई रिलेशनशिप की बात, कि मई मंथ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. अब हम करियर की बात कर लेते हैं कि करियर वाइज अगेन. सो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं टॉरस? ओके, सो यहाँ पे कुछ मे बी यू आर वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी हियर. अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए. आई थिंक इट्स अ गुड टाइम अगर आप चेंज चाह रहे हैं. हो सकता है कि कोई चीज़ है जिस चीज़ को लेके आप वरिड हैं. आई डोंट नो, मे बी इट्स अबाउट मनी थिंग. आप वरिड हो रहे हैं, चिंता सिचुएशन दिखाई दे रही है, मैनेज कैसे होगा. बट द गुड न्यूज़ इज़ वी आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी. अब हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटी का ही वेट कर रहे हैं, ठीक है ना. बट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे ऑफकोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, कि आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, और या हो सकता है कि कुछ बहुत बढ़िया आपकी तरफ आ सकता है. लेट मी पुल फ्यू मोर कार्ड सो दैट वी कैन क्लैरिफाई कि टॉरस का करियर कैसा रहने वाला है इन द कमिंग मंथ. सो मे मंथ में टॉरस की तरफ. ओके, सो आई थिंक पैसेज इज ओपनिंग. ओके, नंबर 11, तो ऑफकोर्स पैसेज इज ओपनिंग. तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू ओपन अप योर सेल्फ, अपने आप को, ठीक है. थोड़ा इट्स अबाउट स्टेपिंग फॉरवर्ड और कम्युनिकेट कीजिए, बाहर निकलिए. आपका सोशल सर्कल अच्छा हो सकता है, और आई थिंक आपको स्टेप फॉरवर्ड करना होगा, आपको गेयर अप करना होगा, अपने आप पे वर्क करना होगा. यू वॉन्ट, सो यू हैव टू मैनिफेस्ट. ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, गो गेटर वाली, ठीक है. तो अगर आप लैक ऑफ क्या बोलें उसको, कि कोई अंदर एनकरेजमेंट नहीं आ रही है या ऐसा कुछ है, तो प्लीज़ एनकरेज योरसेल्फ. अपने आप को पिक कीजिए और कोशिश कीजिए, हो जाएगा. आई थिंक वो वाली एनर्जी आ रही है, बिकॉज मे बी यू आर नॉट सी देयर इज़ अ 10-10 एनर्जी कंप्लीशन. मुझे ऐसा लगता है कि कुछ है जो आप फेस कर रहे हैं, मे बी अ लिटिल चैलेंज हियर ऑन देयर, हियर और देयर, और आप वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं. वो अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट उसके लिए आपको अपने आप को गेयर अप करना होगा, आपको अपने आप को तैयार करना होगा. विक्ट्री का कार्ड आ रहा है, सक्सेस, लॉट ऑफ 10-10-10. मुझे लगता है कि कहीं या तो हो सकता है कि आप ओवर बर्डन हैं किसी चीज़ को लेके, प्रेशराइज्ड हैं मनी को लेके, और बहुत बर्डन सा मुझे दिखाई दे रहा है. बट इट्स ओके, आई थिंक खुद को टाइम दीजिए और चीज़ें बदलेंगी. आपका जो करियर है थोड़ा सा और देखेंगे.
ऑफ कोर्स, हालांकि एंजल्स अपनी तरफ से वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं. मुझे ऐसा लग रहा है बार बार चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं बार बार, यू नो, टॉरस की तरफ, और इस वजह से वो थोड़ा सा मायूस हो रहे हैं. सो मे मंथ में, या आई मीन यू आर कंसर्न अबाउट समथिंग, बट मे बी समथिंग गुड, हाई ऑनरेबल जॉब वी आर गेटिंग, या हो सकता है कि आपको अप्रिशिएट किया जाएगा काम के लिए, और मे बी समथिंग लाइक दैट. ओके, मतलब कोई तो है, कुछ तो प्रॉब्लम है, यू आर वरिड अबाउट समथिंग. आपको लग रहा है कि अरे आप मतलब कुछ हो ना जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए, आपके अगेंस्ट कुछ ना हो जाए, वैसी सी एनर्जी आ रही है. और मे बी आपके फाइनेंसेस कहीं मतलब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, बट डोंट वरी, एंजल्स आर विद यू, आपको ब्लेस कर रहे हैं. 777 वेल्थ का कार्ड है, सडन वेल्थ का कार्ड है, तो जैसे चीज़ें ख़राब हुई हैं वैसे सडनली अच्छी भी हो जाएंगी, ठीक है. सो यू शुड स्टे पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहने के लिए कहा गया है. तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए फॉर एनीथिंग, चाहे वो मनी इन्वेस्ट करना है और एनीथिंग, प्लीज़ फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है. ये तो हो गई करियर की भी बात, अब हम आगे बात करेंगे. व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, टॉरस, लेट अस फाइंड आउट. सो व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, ये देखना बहुत ज़रूरी है एंजल्स की तरफ से. ओह, सो आई एम लर्निंग, सी डेथ का कार्ड आ रहा है, सो आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स. सो ऑफकोर्स, सी इट्स नॉट अबाउट समथिंग, डेथ इज अ कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज. सूरज जैसे ढलता है ना, अगले दिन कैसे उग जाता है, तो सिमिलरली, तो इट्स लाइक कि नया सूरज उग रहा है, ठीक है. तो आपकी लाइफ में भी, तो अगर कुछ एंड हो रहा है, यू आर गोइंग थ्रू अ एंडिंग फेज, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, अ बैड फेज और समथिंग, एनीथिंग इन योर करियर, इन योर रिलेशनशिप, प्लीज़ अपने आप को ये हर वक्त बोलिए दैट आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स, ठीक है. तो एंडिंग किस लिए होती है, सो दैट आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा बिगिन कर सकें, उससे भी पॉजिटिव, उससे भी अच्छा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द टॉरस पीपल. और आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते. टिल देन, टेक केयर.